हेलो, ट्रेडिंग टूलबॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेडिंग टूलबॉक्स फैमिली ने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और ये एक गिफ्ट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको गिफ्ट कैसा लगा। हमने एक ऑल इन वन गिफ्ट इंडिकेटर बनाया है जिसमें कि CPR, पिवोट पॉइंट एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑल सेटिंग्स के साथ है। तो देखते हैं इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू में कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे आ गए हैं और हमने लॉगिन कर लिया है। इस पे निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट खुला है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर एडिड नहीं, चार्ट पे भी कोई इंडिकेटर नहीं है। तो अपने चार्ट पे ऑल इन वन इंडिकेटर ऐड करने के लिए हम इस URL पे जाएंगे। ये लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी जिसपे लिखा होगा गिफ्ट पिवोट पॉइंट्स ट्रेडर्स। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा है ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे फेवरेट्स में दिखाई देगा। ऐड टू फेवरेट्स करने के बाद हम चार्ट्स पे जाएंगे और क्लिक करेंगे अपने चार्ट के नाम पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पे आ गए हैं जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे FX लिखा है जिसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे फेवरेट्स में ये इंडिकेटर नजर आएगा। इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर हमारे चार्ट पे भी नजर आएगा। इस इंडिकेटर को समझते हैं। जो ये ब्लू लाइन नजर आ रही है ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये ग्रीन लाइन 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये रेड लाइन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये डॉटेड ब्लैक लाइन प्रीवियस डे हाई है, नीचे वाली डॉटेड ब्लैक लाइन प्रीवियस डे लो है। तो इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाके इस इंडिकेटर को अच्छे से समझने के लिए मैं पहले सिर्फ डेली पिवोट्स को एक्टिव रखता हूं और सबको इनएक्टिव कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ डेली पिवोट ही एक्टिव है। ये 3 लाइंस पिंक ब्लू एंड ब्लू डेली CPR है। ऊपर वाली ग्रीन लाइन R1 है, उसके ऊपर ग्रीन लाइन R2 है, डेली CPR के नीचे वाली ग्रीन लाइन S1 है, S1 के नीचे जो ग्रीन लाइन है वो S2 है। तो ये डेली पिवोट्स हैं। इसके बाद हम वीकली पिवोट समझते हैं। मैं डेली पिवोट को सेटिंग्स में जाके बंद कर देता हूं और वीकली पिवोट को एक्टिव कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं वीकली पिवोट, ये जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये वीकली पिवोट है। इसके ऊपर स्काई ब्लू कलर की लाइन है, ये वीकली R1 है। उसके ऊपर जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये वीकली R2 है। पिवोट के नीचे स्काई ब्लू कलर की लाइन वीकली S1 है और S1 के नीचे स्काई ब्लू कलर की लाइन वीकली S2 है। इसके बाद मैं वीकली को बंद कर देता हूं और मंथली पिवोट को समझते हैं। ये जो मेहरून कलर की डॉटेड लाइन है ये मंथली पिवोट है। उसके ऊपर रेड कलर की लाइन मंथली R1 है, R1 के ऊपर रेड कलर की लाइन मंथली R2 है। पिवोट के नीचे जो पहली रेड लाइन है वो मंथली S1 है और S1 के नीचे मंथली S2 है। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स में सारे एक्टिवेटेड मिलते हैं। आप यहां से सेटिंग्स में जाके इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गिफ्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।